आज मैं आप लोगों को टेंस के बारे में बताऊंगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। एंड हर एक टेंस का 4 टाइप्स होता है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टेंस, इसका 4 टाइप होता है। फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम ऐसे ही पास्ट टेंस का भी होता है एंड फ्यूचर टेंस का भी होता है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं पास्ट टेंस का एंड फ्यूचर टेंस का। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक टेंस को बनाने का अलग अलग रूल होता है और हर एक टेंस को पहचानने का अलग अलग नियम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। सो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, तो लिखेंगे राम। देन क्या है? इज एम आर। तो राम एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा इज लगेगा। अगर आप प्लूरल रहा तो उसके साथ हम आर लगाएंगे। इसलिए सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ इज लगाएंगे। राम इज, आफ्टर दैट वर्ब। वर्ब क्या हो गया? खेल। फॉर एग्जाम्पल राम खेल रहा है। इस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, मतलब ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको बनाने का रूल क्या है? सबसे पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि राम, जो वर्क करता है वो सब्जेक्ट होता है। यानी कि यहाँ पे राम खेल रहा है तो राम हो गया सब्जेक्ट। देन इज एम आर, तीनों में से कोई एक लगाएंगे तो राम के साथ इज लगेगा, क्योंकि राम एक सिंगुलर है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंगुलर रहा, उसके साथ इज लगाते हैं। ही, शी, इट, एनी थिंग्स विच इज सिंगुलर, देन वी कैन यूज इज। आफ्टर दैट वेयर आई कैन सी आई, देन वी कैन यूज एम। और जब कभी भी हम लोग प्लूरल देखेंगे या फिर यू रहा, दे रहा सेंटेंस में, तब हम लोग आर का यूज करेंगे। सो राम इज, आफ्टर दैट वर्ब। वर्ब क्या हो गया? खेल, खेलना। जिस अगर हम आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कैसे वर्ब पहचानेंगे सेंटेंस में, तो आप उस वर्ड को बोल करके देखिएगा, उसके लास्ट में अगर ना आएगा तो वो हो गया वर्ब। जैसे कि खेल, खेलना, तो ये हो गया वर्ब। कूदना, ये सब जिस वर्ड के लास्ट में ना आता हो वो हो जाता है आपका वर्ब। तो ये हो गया खेल, हो गया आपका वर्ब। तो खेल को बोलते हैं प्ले, तो लिखेंगे प्ले और इसके साथ आईएनजी यानी कि प्लेइंग, देन फुल स्टॉप, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं कि वो फील्ड में खेल रहा है कि या फिर कहीं और पे रोड पे खेल रहा है। सो दिस इज फुल सेंटेंस, राम इज प्लेइंग। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का नियम और उसे बनाने का क्या रूल है। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने पहचानने का क्या नियम है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में आपको चुका है, चुकी है और चुके हैं ये दिखाई देगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और उसे बनाने का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वह घर साफ कर चुका है। इसमें हम इसको अब कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया? वह, तो वह को क्या लिखेंगे? ही। आफ्टर दैट क्या है? हैज़ या हैव, दोनों में से कोई एक लगेगा। तो ही क्या है? ही सिंगुलर है, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं सिंगुलर रहेगा तो वहाँ पे हैज़ लगाएंगे। सिंगुलर में क्या क्या आता है? ही, शी, इट, एनी थिंग्स विच इज सिंगुलर, देन वी कैन यूज हैज़। और वेयर वी कैन सी प्लूरल, देन वी कैन यूज हैव। और प्लूरल में क्या क्या आ सकता है आपका? दे एंड वी, ये आ सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैव यूज करेंगे। सो यहाँ पे ही आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे हैज़, ही हैज़। उसके बाद हम लोग क्या देखना है? वर्ब। वर्ब इसमें क्या हो गया? साफ हो गया। साफ, साफ का हो जाता है आपका वॉश, तो वॉश का आपको थर्ड फॉर्म वॉश्ड हो जाएगा। तो ही हैज़ वॉश्ड, देन ऑब्जेक्ट, वो क्या साफ किया? रूम, तो वॉश्ड रूम। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट कैसे पहचान सकते हैं? तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वह घर साफ कर चुका है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि वह क्या साफ कर चुका है। आंसर क्या आएगा? घर, देन इट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसको पहचानने का क्या नियम है कि समय के साथ अगर रहा है, रही है और रही हूँ या फिर रहे हैं, ये सब रहता है तो वो टेंस हो जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको बनाने का रूल क्या है? सब्जेक्ट, हैज़ और हैव, उसके साथ बीन, देन वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद अब फोर, सिंस, देन ऑब्जेक्ट, ये लगेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूँ फोर कहाँ लगेगा? जो नॉन फिक्स टाइम है। फॉर एग्जांपल 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 10 ईयर्स, जितना भी ईयर्स होता है ये नॉन फिक्स्ड है, एग्जैक्ट आपको टाइम नहीं बता रहा, इसलिए ये हो गया नॉन फिक्स टाइम। इसलिए यहाँ पे हम लोग फोर लगाएंगे इसके लिए। और जहाँ पे फिक्स टाइम है, जैसे कि मॉर्निंग में 9 o'clock,
जो आपका टाइमिंग दिया रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग सिंस लगाएंगे। मैं आपको दो एग्जांपल से दिखा दे रही हूँ, जैसे कि वह 2 साल से सो रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग टाइम को हटा दें 2 साल, तो वह सो रहा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर इसमें आपका टाइम लग गया तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे कि वह सब्जेक्ट हो गया तो ही हो गया, फिर हैज़ और हैव, तो ही सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज़ लग गया, देन बीन, तो बीन लगा दिए। उसके बाद भर्व, भर्व इसमें क्या हो गया है सोना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे स्लिप। भर्व के साथ फिर क्या है आई एन जी, तो यहाँ पे हम लोग स्लिपिंग आई एन जी लगा देंगे। देन उसके बाद क्या है फोर और सिंस लगेगा, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं 2 साल, ये नन फिक्स टाइम है, यानी कि ये फोर, यहाँ पे फोर लगेगा, तो फोर लगा देंगे। कितने 2 ईयर्स, 2 साल के, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 2 ईयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मैं 9 बजे से पढ़ रही हूँ, ये सेम फर्स्ट वाले के जैसा बनेगा, बट चेंज क्या होगा इसमें, इसमें ये फिक्स टाइम बता दिया है 9 बजे, इसलिए यहाँ पे जहाँ फोर लगाए तो यहाँ पे सिंस लगा देंगे, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। मैं आपको बना के दिखाती हूँ, आई हैव, यहाँ पे हैव लगेगा क्योंकि आई के साथ हमेशा हैव लगता है। आई हैव बीन रीडिंग सिंस 9 o'clock। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।